सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स रैंडम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी करेंगे। ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है जिसमें हम इसके बचे हुए दो टॉपिक्स कवर करेंगे। फर्स्ट इज हीटिंग इफेक्ट एंड सेकेंड वन इज पावर। अभी तक इस चैप्टर में हम रेजिस्टेंस सीरीज में पैरेलल में कैसे कनेक्ट होता है, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशंस, SI यूनिट्स, कुछ एग्जांपल्स, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, और ये सारे टॉपिक्स हम अभी तक पढ़ चुके हैं। अब इस चैप्टर के दो लास्ट टॉपिक्स बचे हैं, फर्स्ट इज हीटिंग इफेक्ट एंड सेकेंड वन इज पावर। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हों, और आपको इन सब के हैंड रिटन नोट्स PDF की फॉर्म में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियोस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। नाउ इलेक्ट्रिसिटी में आपका लास्ट टॉपिक आता है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो ये हमारा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट्स, हमने इलेक्ट्रिसिटी वर्ड जब पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है करंट फ्लो करना या फिर चार्ज फ्लो करना, या फिर इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करते हैं, मींस कि उन पे चार्ज नेगेटिव होता है वो फ्लो करते हैं। इन शॉर्ट करंट जब फ्लो होता है तो वो हम इलेक्ट्रिसिटी में काउंट करते हैं। हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं, और विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम लाइफ को अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो अब इसी में हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको हम हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। अब देखिए, बहुत सारे अप्लायंसेस ऐसे होते हैं जिनमें हमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत प्रॉपरली दिख जाती है और हमें समझ आ जाता है, बट कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हमें समझ में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, आप देखिए फ़ैन है, फ़ैन हमें पता है स्विच ऑन करते हैं वो रोटेट करने लग जाता है, मीन्स हमें पता है वो ऑन हो गया। बट कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जैसे कि आयरन प्रेस, या फिर कोई माइक्रोवेव ओवन ले लीजिए, या टोस्टर की बात करते हैं, तो इनमें जब ये गर्म होते हैं तो उस टाइम पे हमें दिखाई नहीं देते। जैसे सपोज इलेक्ट्रिक आयरन जो है ये हमें नहीं पता चलती, इसमें हीट एक प्लेट है नीचे वो हीट जनरेट करती है। तो ये जो प्रोसेस होता है ना इसको हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। मीन्स कि ऐसा नहीं है आयरन खुद से चलने लग जाएगी जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, करंट फ्लो करेगा, तो उसमें सिर्फ हीट जनरेट होती है, और फिर हम जब कपड़ों पे प्रेस करते हैं तो उस टाइम पे हमें पता चलता है यस ये वर्क कर रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी में ये जो टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट, ये इसी टाइप की एप्लीकेशंस को पढ़ने के लिए होता है। अब इसमें देखिए, बैटरी हो या फिर सेल हो, दोनों ही सोर्स होते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। हीटिंग इफेक्ट्स में कुछ पॉइंट्स मैंने दे रखे हैं लर्निंग के लिए आपके। बैटरी और सेल डिफरेंस हैज इट्स टू टर्मिनल्स। अब जो बैटरी और सेल्स होते हैं इनमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, सपोज एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, इनके बीच का जो केमिकल रिएक्शन होगा उसे आप पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। देन इलेक्ट्रॉन विल कम इन अ मोशन टू फ्लो करंट थ्रू रेजिस्टेंस। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव होता है, वो मोशन में आते हैं। मोशन में मीन्स कि पोजीशन का चेंज होना, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ जब चेंज होती है तो हम कहते हैं कि वो मोशन में है। देन जब करंट थ्रू रेजिस्टेंस होता है, मीन्स कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास टर्म यूज होती है रेजिस्टेंस। टू मेंटेन दिस करंट द सोर्स हैज टू कीप एक्सपेंडिंग इट्स एनर्जी। अब जो ये जो करंट फ्लो हो रहा है इसको हमें मैनेज करने के लिए या एक्सपेंड करने के लिए एक एनर्जी की फॉर्म की नीड होती है। पार्ट्स ऑफ दिस एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन यूजफुल वर्क लाइक रोटेटिंग ऑफ अ फैन। तो जो ये पार्ट है, जो एनर्जी कंज्यूम हुई, जैसे आपने स्विच ऑन किया करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, और उसके बाद में जो एनर्जी है वो जनरेट होके एक जगह पे कलेक्ट होने लग जाती है, और उसके बाद में कोई भी जो अप्लायंस होता है वो फंक्शन में आता है। रेस्ट ऑफ एनर्जी ऑफ सोर्स इज कन्वर्टेड इन टू हीट दैट रेज द टेम्परेचर ऑफ द गैजेट। अब जो एनर्जी है वो दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है। फर्स्ट पार्ट जो कंज्यूम कर लेता है एक जो डिवाइस होता है जिसकी वजह से वो रोटेट करने लगता है या फंक्शन में आता है। इसमें एक एग्जांपल दे रखा है फैन का। देखिए, जो एनर्जी उसमें जब कंज्यूम होगी तो जो फैन के विंग्स होते हैं वो रोटेट करने लग जाते हैं, और जो फैन के विंग्स होते हैं वो रोटेट करने लग जाते हैं जब उसमें एनर्जी कंज्यूम होती है,
और जो रिमेनिंग पार्ट होता है एनर्जी का, जो बच जाती है एनर्जी, वो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और वो उस गैजेट का टेम्परेचर बढ़ा देती है। इसका एग्जाम्पल है जब फैन ऑन होता है या चलता है, जब फैन रोटेट करता है तो उस टाइम पे विंग्स से हमें हवा आती है, बट जो उसका बीच वाला पोर्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। सेम जितने भी हमारे अप्लायंसेस होते हैं सबके साथ यही होता है। आप चार्जर का एग्जांपल ले लीजिए, जब आप फ़ोन या लैपटॉप चार्ज लगाते हैं तो उस डिवाइस के अंदर भी बैटरी जा रही है, पूरा करंट फ्लो हो रहा है, वो भी चार्ज हो रहा है, बट जो आपका चार्जर है और जिस सॉकेट से आपने उसको लगा रखा है वो वाला पोर्शन, ये दोनों चीज़ें क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं। तो इसको हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। दिस इज़ नॉन एज अ हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिस इफेक्ट इज़ यूटिलाइज इन डिवाइसेज सच एज इलेक्ट्रिक हीटर, आयरन एक्सेट्रा। तो ये हमारा हीटिंग इफेक्ट का कंसेप्ट है। अब इसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखिए। लेट अस सपोज दैट करंट आई इज फॉलोइंग थ्रू अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर फॉर द टाइम टी। करंट हमारे पास आई है, रेजिस्टेंस आर है और टाइम हमें क्या दे रखा है, टी। देन जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द रेजिस्टेंस विल बी वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू। डब्ल्यू वर्क हो गया, क्यू चार्ज हो जाता है। वर्क, अब देखिए एनर्जी और जो वर्क होता है ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल टर्म्स हैं। आप एनर्जी को आप हीट की फॉर्म में भी ले सकते हैं, दोनों की एसआई यूनिट क्या होगी, जूल्स होती है। इवन वर्क की भी एसआई यूनिट क्या होती है, जूल्स होती है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास हीटिंग इफेक्ट्स में ये फॉर्मूलेज आते हैं, इनमें से आप कोई भी फॉर्मूला न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू। वी आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, डब्ल्यू वर्क है, क्यू क्या हो गया, चार्ज। अब इसको अगर आप थोड़ा सा चेंज करेंगे तो W इज इक्वल टू वी क्यू, और अगर W की जगह पे हम एनर्जी लें, एनर्जी इक्वल टू होती है हीट, तो आपने W की जगह पे क्या ले लिया, H। H मीन्स हीट और इज इक्वल टू वी क्यू। देन अगर इसी कंसेप्ट में अगर हम पावर की बात करते हैं तो P इज इक्वल टू W अपॉन में T, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। W की जगह पे आप V अपॉन में वी क्यू ले सकते हैं, यहाँ फर्स्ट फॉर्मूले से W की जगह आपने क्या प्लेस किया, वी क्यू अपॉन में T। तो इसके अकॉर्डिंग पावर क्या है आपका, वी क्यू अपॉन में टी। पावर इज इक्वल टू वी आई, वी आई, आई की जगह पे आप क्यू अपॉन में टी ले सकते हैं। इसको फर्स्ट मार्क कर दीजिए। सेकेंड हीट एनर्जी, एच इज इक्वल टू पी टी में एनर्जी ऑफ वर्क अपॉन में टाइम। तो ये जो हमारे पास तीन इक्वेशंस आती हैं, आप देखिए पी इज इक्वल टू वी आई, एच इज इक्वल टू पी टी, इन दोनों को जब आप साथ में लेते हैं इक्वेशन वन में, जब आप सेकेंड इक्वेशन पुट कर देंगे तो आपके पास एक फॉर्मूला आता है, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। वी आई टी आपने लिया, वी की जगह पे आप आई आर लिख सकते हैं क्योंकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी इज इक्वल टू आई आर होता है। आपने वैल्यूज पुट करी, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। जब कभी भी आप ये रिलेशन देखेंगे, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, एच मीन्स हीट, आई करंट, आर रेजिस्टेंस, टी इज टाइम टेकन, तो आप उस कंसेप्ट को बोलते हैं जूल्स लॉ। आपके पास ये वन मार्कर क्वेश्चन भी आ सकता है, जूल्स लॉ का रिलेशन लिखना है या जूल्स लॉ क्या होता है, तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हमेशा क्या पढ़ा जाता है, जूल्स लॉ। अब ये जो हमारा लॉ है ये क्या कहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट मीन्स जो आपकी हीट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के स्क्वायर के। सेकेंड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस आर, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, फर्स्ट केस में करंट के, सेकेंड केस में रेजिस्टेंस के, एंड थर्ड केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, जिसको आप स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। जब हम ये तीन रिलेशन लेते हैं, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ये तीनों रिलेशन से भी हमारे पास क्या आता है, जूल्स लॉ, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इसके ऊपर आपका न्यूमेरिकल आता है। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा, अभी जो हमने हीटिंग इफेक्ट पढ़ा इसकी कुछ एप्लीकेशंस इसलिए यूजफुल होते हैं क्योंकि जो हमारी डे टू डे लाइफ होती है उसमें हम ये सारी चीज़ें देखते हैं, बस कभी हमने ऑब्जर्व नहीं किया होता और हमें समझ में नहीं आता। तो जब हम किसी एक कंसेप्ट को पढ़ के उसकी कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं तो हमें ये समझ में आ जाता है, यस फिजिक्स का डे टू डे लाइफ में हमारे घर में इसका ये यूज़ है। अब फर्स्ट एप्लीकेशन है इसकी यूज इन इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, ओवन, हीटर एक्सेट्रा। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि इलेक्ट्रिक आयरन और हीटर इन सब चीज़ों में हीटिंग इफेक्ट को यूज़ किया जाता है। सेकंड पॉइंट और जो थर्ड एप्लीकेशन है ये दोनों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
सेकंड कहता है इट इज़ आल्सो यूज इन बल्ब। इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था बल्ब में टंगस्टन नाम का एक फिलामेंट होता है जो कि गर्म होता है, बल्ब में हम ऑर्गन गैस फिल करते हैं, ठीक है। इट इज़ आल्सो यूज इन बल्ब टू प्रोड्यूस लाइट। अब इसका हीटिंग इफेक्ट का यूज़ किया जाता है बल्ब में किस लिए, लाइट प्रोड्यूस करने के लिए। इसमें देखिए सेकेंड पॉइंट है इसका, फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट सच एज टंगस्टन, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें जो फिलामेंट होता है, जो टंगस्टन है, वो बल्ब का फिलामेंट होता है जो कि हीट एब्जॉर्ब करके गर्म हो जाता है। दिस फिलामेंट कैन रिटेन एज मच ऑफ हीट जनरेटेड एज पॉसिबल टू बिकम वेरी हॉट एंड एमिट लाइट। अब जो ये फिलामेंट है, मीन्स जो टंगस्टन है, वो जब तक गर्म नहीं होगा, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा, तब तक लाइट एमिट नहीं करेगा। बल्ब फिल्ड विद नॉन रिएक्टिव गैसेज लाइक नाइट्रोजन एंड ऑर्गन, ये दो नॉन रिएक्टिव गैसेज हैं। ये आपके पास क्वेश्चन आता है 1 marker कि बल्ब में कौन सी नॉन रिएक्टिव गैसेज भरी जाती है। नॉन रिएक्टिव मीन्स कि किसके साथ रिएक्ट नहीं करेंगी, वो टंगस्टन के साथ में रिएक्ट नहीं करेंगी। तो वो कौन सी गैसेज होती है, नाइट्रोजन एंड ऑर्गन। इट इज़ ऑल्सो यूज इन फ्यूज कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये आपका सेकेंड पॉइंट था बल्ब वाला कंसेप्ट। अब जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिक सर्किट में हम फ्यूज को कैसे कनेक्ट करते हैं। आपने बहुत बार घर में ये टर्म सुनी होगी, बोलते हैं फ्यूज उड़ गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, ओवरलोडिंग हो गई। तो उस टाइम पे इस डिवाइस का यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज। ये एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो कि सर्किट में लगाया जाता है किसी भी अप्लायंस को बचाने के लिए। अगर उसमें बहुत ज़्यादा हाई करंट की सप्लाई हो जाए तो उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए या उसको किस तरीके से रोका जाए। अब डेफिनेशन देखिए, इट इज़ अ डिवाइस और इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट्स द सर्किट एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ हाई करंट इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवर लोडिंग। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, वायर ऑफ फ्यूज इज मेड अप ऑफ एन अलॉय ऑफ मेटल, एग्जांपल एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड एक्सेट्रा। जो वायर होती है किसी भी फ्यूज की, वो इनमें से किसी भी अलॉय से बनाई जाती है, एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, आयरन हो, लेड या कोई भी इसमें से, ठीक है। उसके अलावा जो अलॉय होता है शुड बी ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टिविटी। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, लो होना चाहिए और रेजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए। रेजिस्टिविटी क्या होती है, जो करंट फ्लो को रेजिस्ट करती है, मीन्स कि एक पर्टिकुलर पॉइंट तक करंट को रोक के रखती है, तो वो उसकी रेजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए। फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, फ्यूज को किस में कनेक्ट करते हैं हम हमेशा, सीरीज में। फ्यूज यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पज, डोमेस्टिक पर्पज मीन्स कि हम अपने घर में यूज करते हैं, कि इंडस्ट्रियल पर्पज पे यूज नहीं किया जाता है। आर रेटेड एज 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, ये करंट की कुछ रेटिंग है जो हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेज होते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम कौन से वाला अप्लायंस यूज करें, उसकी पावर कितनी है। तो ये था कंसेप्ट आपका हीटिंग इफेक्ट का। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ डिफाइंड एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपिएटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। आपने सुना होगा हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो वो इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होता है। हीटिंग इफेक्ट में हमने पावर के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, पावर इज इक्वल टू V/Vi। V की जगह पे आप IR लिख सकते हैं क्योंकि ओम्स लॉ कहता है कि V इज इक्वल टू IR, तो V की जगह पे आपने वैल्यू ली IR। तो आपका ये हो गया यहाँ पे I²R। P के ये 3-4 फॉर्मूलेज है, फर्स्ट P इज इक्वल टू VI, सेकेंड है P इज इक्वल टू I²R, थर्ड है P इज इक्वल टू V²/R। तो ये आपके 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, 3 डिफरेंट फॉर्मूलेज हैं, आप न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं। SI यूनिट की अगर बात करें तो पावर की होती है वॉट, वॉट मीन्स W से इसको डिनोट करते हैं। अब 1 watt, आपने ये जो वॉट वर्ड है इसको आपने जितने भी हम LED लाइट्स या कुछ ऐसा अप्लायंस खरीदते हैं उसमें आपने पढ़ा होगा कि ये इतने वॉट की है, ये इतने 10 watt है, 4 watt है, 5 watt है, 2 watt है, तो ये वर्ड आपने वहाँ पे सुना होगा। तो किसकी बात करते हैं कि उसमें उस अप्लायंस में पावर कितनी है या वो कितने पावर का है। अब मैंने अभी तक हर बार ये चीज़ रिपीट करी है कि कोई भी आप फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं कोई, तो उसमें आपको उसकी SI यूनिट पता होनी चाहिए और उसके साथ साथ उस SI यूनिट को डिफाइन करना भी आना चाहिए क्योंकि ये भी आपका क्वेश्चन आ जाता है। देन पावर की SI यूनिट वॉट होती है, उसकी डेफिनेशन देखिए, इट इज़ डिफाइंड एज द पावर कंज्यूम बाय अ डिवाइस व्हेन 1 ampere ऑफ करंट पासिस थ्रू इट एट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 volt। जो पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट IA, 1A means 1 ampere जो कि करंट डिफाइन करता है, 1V means 1 voltage जो कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करता है। P is equal to VI, V 1 volt,
और करंट भी आपका किस में हो गया 1 एम्पियर। देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए अगर फॉर्मूला लिखिए तो E इज इक्वल टू पी इंटू टी। ई यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई, पी पावर, टी टाइम। ऐसा ही यूनिट एनर्जी की कोई भी फॉर्म होती है या फिर वर्क डन होता है, मीन्स की वर्क, तो उसमें हम ऐसा यूनिट जूल्स लेते हैं, जिसको जे से डिनोट किया जाता है। इसके अलावा, इलेक्ट्रिकल पावर के अलावा, एक छोटा सा कंसेप्ट आपका कमर्शियल यूनिट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वो क्या होती है, किलो वॉट और 1 यूनिट। अब हमारे पास फॉर्मूला देखिए, E इज इक्वल टू पी इंटू टी। अब जो पावर है इसको आप किस में ले रहे हैं, किलो वॉट में, किलो वॉट मतलब कि 1000, ठीक है। देन आर्स है, अब आपको पता है जब हम न्यूमेरिकल फॉर्म में क्वेश्चंस को करते हैं तो हम कभी भी आर्स में नहीं लेते, टाइम को हम किस में लेते हैं, सेकेंड्स में लेते हैं। तो आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे 1 आर को सेकेंड्स में। देन पावर की जगह पे आपने 1000 वॉट लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, किलो वॉट, तो आपने यहाँ पे 1000 वॉट लिया। देन टाइम आर्स की जगह पे आपने किस में लिया, सेकेंड्स में लिया, और ये हमारे पास 1 किलो वॉट की वैल्यू आती है, 3.6 × 10⁶ जूल्स, और 1 हॉर्स पावर होती है 746 वॉट। ये जो आपका कंसेप्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें से कोई भी पोर्शन से आपका 1 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है। तो प्लीज़ इस वीडियो के ईच एंड एवरी पॉइंट को अच्छे से पढ़िए, एक एक लाइन को अच्छे से लर्न कीजिए, क्योंकि आपके क्वेश्चंस कहीं से भी बनकर आ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस चैप्टर से रिलेटेड, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछिएगा। एंड थैंक यू सो मच। वीडियोस को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए, एंड स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़।